हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा विल बी, आपको दिया गया है कॉस थीटा की वैल्यू दी गई, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई 1/2, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सोल्यूशन हम लेते हैं किसका, 7 वाले का, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको दिया गया है, हम लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, अब आपको देखिए वैल्यू टेबल बताई गई थी ना, आपको हमने वैल्यू टेबल बनवाई थी जिसमें था आपका सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन cos tan cos sec cosec, सबकी जो स्पेशल एंगल्स थे सबकी वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू टेबल बनवाई थी ना, साइन 30 की वैल्यू, cos 30, साइन 60, cos 60, tan 60, sec 60, cosec 60, cosec 90, ऐसे वैल्यू टेबल बनवाई थी ना जिसमें आप स्पेशल एंगल यानी कि स्पेशल एंगल यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारे एंगल्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। तो वहां पे उस टेबल से आपको सारी वैल्यू याद भी होनी चाहिए, टेबल बनाना आता होगा सबको लेकिन वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos थीटा दिया गया है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो आपको ये पता करना है कि cos में यानी कौन सा रेशियो है, cos है ना, तो cos में वैल्यू टेबल से जो वैल्यू टेबल हमने बनवाई थी उसमें cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आप वैल्यू टेबल अगर आपको याद होगी, आपको वैल्यू याद हो गई होगी, तो आप पता कर सकते हैं कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos cos किसकी, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos वाली में, तो cos 1/2 आप देखेंगे किसमें, cos की जो cos है यहाँ पे देखिए रेशियो क्या है, cos आपको पता करना है कि cos वाली सीरीज में, cos की जो टेबल है cos वाले में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो आप देखेंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यानी 1/2 को आप देख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब यहाँ cos से cos क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, तो हो गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था ना cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा विल बी, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। अब लेते हैं हम 8 वाला सॉल्यूशन नंबर 8, सॉल्यूशन 8 देते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है sec थीटा इज इक्वल टू √2 देन थीटा विल बी, sec थीटा आपको दिया, तो यहां लिख लीजिए पहले जो गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू √2, sec थीटा दिया है √2, ये हाई क्या है गिवन है, इसको हम लिख लेंगे गिवन। ठीक है, अब यहां पे आपको फिर से ही पता करना पड़ेगा sec थीटा, क्योंकि आपको वैल्यू टेबल बताई गई है ना, वैल्यू टेबल बनवाई गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू टेबल, तो वहां पे आपको पता करना है, यहां पे देखिए sec थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो आपको पता करना है sec में होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक सारे थे, उसके बाद एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थे ना। अब उसमें आपको सेक वाले में देखना है, सेक वाले में किसकी वैल्यू √2 होती है, सेक वाले में किसकी वैल्यू √2 होती है, तो आप देखेंगे सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, यानी हम √2 को क्या लिख सकते हैं, सेक 45 डिग्री, इसी वैल्यू में देखना है आपको, इसी में जैसे सेक दिया गया तो सेक वाले में ही देखना है, sec थीटा इज इक्वल टू है, यहाँ देखिए sec थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो यहाँ पे sec दिया गया है, तो sec वाली टेबल में ही देखेंगे कि sec किसकी वैल्यू, sec कितने की वैल्यू √2 होगी, तो आप sec वाले में देखेंगे आप तो sec 45 की वैल्यू √2 होती है, तो √2 को आप लिख सकते हैं sec 45, फिर sec से sec कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखना है आपको, cos थीटा इज इक्वल टू जो भी दिया रहेगा, तो यहाँ cos दिया गया है तो 1/2 जो cos वाली सीरीज होगी वैल्यू टेबल में, हम cos में ही देखेंगे cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आप देखेंगे आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ऐसे यहाँ पे भी sec थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो sec वाले में जो वैल्यू टेबल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल है उसमें हम sec वाले में ही देखेंगे, sec वाले में देखेंगे कि √2 किसकी वैल्यू है, तो आप देखेंगे sec वाले में तो √2 किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, sec 45 डिग्री, तो यहाँ sec 45 डिग्री लिख दिया गया, यहाँ पे sec से sec कैंसिल हो गया, थीटा आ गया कितना 45 डिग्री, ऐसे करना है। ठीक है ना, कर लीजिए।